करने वाले हैं मेरे शूट का जो एक ऐड है दिवाली का। तो अभी हम हैं वर्सोवा मेट्रो पर, यहाँ से जा रहे हैं हम अंधेरी ईस्ट, क्योंकि मेट्रो से जल्दी पहुँचेंगे एंड मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ, 8:30 हो गया है। तो जल्दी से हम मेट्रो का टिकट लेते हैं एंड देन से मिलते हैं आगे। चल ले ली टिकट, खुल गया सिम सिम और ये खुल गया। तो आज काफ़ी खाली खाली लग रहा है बिकॉज संडे है, क्योंकि मोस्टली जॉब वाले होते हैं तो आज पूरा खाली है। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा और किस्मत देख रहे हो गाड़ी खड़ी हुई मिली है। और हम आ गए साकिना का मेट्रो पर। अब यहाँ से देखते हैं हमारा जो लोकेशन है वो कितना दूर है, और यहाँ थोड़े से लोग देखने को मिले एंड धूप अभी से हो गई है। सच में यार 9 बजे है अभी एंड धूप अभी से हो गई। ऊपर से गाइस हम उतर आए हैं एंड यहाँ से 550 मीटर्स दूर है। ऑटो वाला कोई भाव देगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि इतनी कम दूर कोई लेके नहीं जाएगा। तो यहाँ से 500 मीटर्स हैं तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ। सही रहा गाइस ऑटो से नहीं आया, आ भी नहीं पाता यहाँ पे। वो है सामने कहाँ गलियों के अंदर स्टूडियो बना रखा है इन लोगों ने। हाँ नहीं तो रोड पे कंफ्यूज हो रहा। फिर एक मैंने दुकान वाले से पूछा, उसने बताया कि वो है। ओ मेरा रास्ता तो दिल्ली काट दी। देखो पैदा होने के लिए पूरा भूमंडल पड़ा था, फिर भी तू यहीं पे पैदा हो गया बदमाशी। गजब बेइज्जती है। तो बिल्ली के रास्ता काटने के बाद फाइनली अपने रूम तक आ गए हैं एंड ये है आज के लिए मेरा रूम, छोटा सा काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा चिल करते हैं एंड मिलते हैं। यो तो गाइस हम रूम में आ गए हैं एंड आवाज़ मेरी आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी बिकॉज मेरे को दो तीन दिन हो गए, आज चौथा दिन है। मेरे को कोल्ड एंड फीवर है तो अभी मैं दवा लेकर आया हूँ एंड मैंने रात में मतलब वो जो वेपर होता है ना पानी में, गर्म पानी में डाल के करते वो भी किया था बिकॉज मेरा शूट था एंड मैं नहीं चाहता था कि कोई भी फकडप हो। उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ, उससे मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिल रहा है। काफ़ी टाइम बाद शूट मिला वैसे ही, तो काफ़ी दिन बाद ब्लॉग आ रहा होगा मेरा शूट से रिलेटेड। तो अभी जस्ट रेस्ट करते हैं यहाँ पर जब तक स्पॉट वगैरह कोई आता नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए एंड उसके बाद मेकअप वगैरह जो जो करूँगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। इस ऐड के बारे में बता देता हूँ, ये दिवाली से रिलेटेड ऐड है, बस इतना ही बताऊँगा। बाकी आप जैसे जैसे ब्लॉग आगे जाएगा आप देख ही सकते हैं। तो मुझे आए हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं एंड मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मुझे इंस्टा पर एक प्रमोशन वीडियो बनाना है ये, तो मैं सोच रहा हूँ उसका स्क्रिप्ट एक बार देख लूँ एंड यहाँ पर शूट कर लेता हूँ। किसी को पकड़ के एडी या कोई स्पॉट होगा उसको पकड़ के शूट करवा लेता हूँ, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। और अगर मैं सो गया, क्योंकि मैं दवा खा के आया हूँ, तो फिर मैं उठ नहीं पाऊँगा, तो यही करता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा कॉस्ट्यूम आ गया है यहाँ पर एंड अभी मैं ट्रायल कर लेता हूँ। सबसे पहले कौन सा पहनूँ, ये पहनता हूँ, तो जल्दी से पहनता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये ट्रायल किया एंड मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो बस यही डन कर दें। तो नीचे ये भी पहन लेता हूँ एंड पूरा रेडी होके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मुझे ये ठीक लग रहा है, तो ये फ़ोन टेढ़ा हो जाता है बार बार, लेकिन मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। आई थिंक ये ठीक लग रहा है, लेट्स सी डायरेक्शन को कौन सा पसंद आता है, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। एक तो एसी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो मुझे ठंड लगने लगी है, पहले जूते पहन लो। तो अभी मैं एसी बंद करवाता हूँ सबसे पहले रूम का, बिकॉज जैसा मैंने बताया मेरी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं थी और आज भी ठीक नहीं है, दवा लेके आया हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि बीच शूट पर मेरी तबीयत खराब हो, तो मैं ये एसी बंद करा देता हूँ। ओके एंड उसके बाद अभी हेयर मेकअप के लिए दादा आएंगे, उनसे मेकअप करा देता हूँ। तो मोचड़ी आ गई है एंड हमने ट्राई कर लिया, अभी एक बार आपको दिखा देता हूँ कम्प्लीट। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। ना 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 ना। तो फ्रेंड्स अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, मेरी तबीयत खराब है तो थोड़ा ही खाऊंगा। और ये हमारे बाथरूम के गेट के साथ सीन हो गया है, ये खुल ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे लॉक हो गया है। तो अभी हमने जो फ्लोर के दादा है यहाँ स्टूडियो के, उनसे बोला है और यहाँ लॉक को ओपन नहीं हो रहा। तो गाइस
डेढ़ बज चुका है ऑलमोस्ट एंड अभी तक हमारा सीक्वेंस नहीं आया। पता नहीं इसकी शूट पर मैं जाता हूँ हमेशा, मेरा सीक्वेंस ही क्यों एंड में होता है। इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है और अभी हम अपने रूम में जाएंगे वापस, क्योंकि यहाँ लग रही है गर्मी गर्मी, क्योंकि मैंने पहना है टन टन। और यहाँ रील बनाते हुए कुछ लोग, बोर हो रहा था तो मैं नीचे आके बैठ गया बिकॉज ऊपर तो टाइम पास हो ही नहीं रहा था। यहाँ कुछ लोग रील बना रहे हैं एंड अभी बस लंच होने वाला है एंड धूप देख सकते हैं बाहर। तो गाइस बैठे बैठे हो गया हूँ बोर बिकॉज दो बज चुके हैं एंड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है एंड हमारा सीक्वेंस, मैं पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ यही होता है, मैं जिस शूट पर जाता हूँ मेरा सीक्वेंस बाद में ही होता है, पूरा दिन मुझे सोते हुए ही निकलता है। तो सुबह से बैठा हुआ हूँ, वैसे सो भी जाता बट ये पहना हुआ है ना तो इसमें बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए रेस्ट भी नहीं कर पा रहा एंड थोड़ा सा टायर्ड हो गया हूँ बिकॉज मैंने बताया था मैं दवा खा के आया हूँ, दो तीन दिन हो गए मेरी तबीयत ठीक नहीं। तो लेट्स सी क्या होता है, कब है हमारा सीक्वेंस, अभी तो आई थिंक टाइम है। तो ब्रेक हो चुका है गाइस फाइनली, और मैं कुछ भी नहीं खा सकता, ना दही खा सकता, ना सैलेड खा सकता, ना राइस खा सकता बिकॉज मेरे को कोल्ड और फीवर हो रहा है इतने दिनों से, और मैं थोड़ा सा डाइटिंग करने की एक्टिंग भी कर रहा हूँ तो मैंने गलती से चावल ले लिए थे, देन मुझे याद आया मैं चावल नहीं खा सकता बिकॉज ठंडे होते हैं एंड मेरे को कोल्ड और फीवर हो रहा है, तो मैं दाल और सब्जी और चपाती ही खाऊँगा, चावल थोड़े से खा लूँगा बिकॉज मेरे को फेंकना अच्छा नहीं लगता वरना इतनी सारी चीज़ें थी, और मैं कुछ भी नहीं ले सकता, सैलेड भी नहीं ले सकता क्योंकि ये प्याज भी ठंडी होती है एंड जो गाजर और खीरा वो भी ठंडा होता है, तो मैं कुछ भी नहीं ले सकता, तो जस्ट यही खा सकता हूँ अभी बस। तो लंच के बाद सेट पर आ ही गए हैं, ऊपर देख सकते हैं ये पूरा मतलब ऊपर एसी होता है ताकि सेट पर कूलिंग रहे एंड ये दिखने में रियल लगते हैं बट यहाँ कोई रहता नहीं है। तो अभी सेट रेडी हो रहा है एंड ये देख सकते हैं दादा अभी ये मॉनिटर वगैरह रेडी कर रहे हैं ताकि डायरेक्टर देख सके एंड ऊपर अगेन कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर सेटअप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लाइट से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये नीचे रेड ऊपर वाइट उससे ऊपर ब्लैक, ले लो। और यहाँ अभी मैंने कार्तिक मास में एक चेयर दान किया है जस्ट किडी, अंदर सेटअप चल रहा है, अभी तक बुलाया तो नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पर टैन टैन पैर ही हिला के बैठे हैं ठाकुर साहब। मुझे पता नहीं क्यों गंदी आदत है कि पैर हिलेगा, और पैर से ज़्यादा इसमें सामान होता है, जैसे कोई डेकोरेशन वगैरह करनी है तो ये यूनिट का ही सामान होता है, जैसे फ्रेम फिल करना है बेसिकली, जैसे वो अलमीरा रखी है अब उसके ऊपर कुछ टॉयज़ वगैरह या स्टैचूज वगैरह रखेंगे तो वो इनमें होता है। तो गाइस तब से हम सेट पर थे एंड जस्ट अभी निकले तो इवनिंग हो गई बिकॉज सेट के अंदर पता ही नहीं चलता टाइम का कब क्या होगा एंड अभी हम जस्ट निकले तो अंधेरा हो गया है। अभी थोड़ी देर चार्ज वगैरह कर लेते हैं रूम में फ़ोन, क्योंकि अभी हमारे दूसरा सीक्वेंस रेडी हो रहा है उसमें टाइम है, तो तब तक अपने रूम में ज़रा आराम करते हैं। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी। तो चार्ज कर लेता हूँ जल्दी से फ़ोन, मैं पावर बैंक लाया हूँ, देन मिलते हैं। और यहाँ पर पानी पूरी क्या लाइन देख सकते हैं, और स्नैक्स की सारी चीज़ों को पानी पूरी की वजह से इग्नोर किया जा रहा है। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? एज गुड एज यू, पानी पूरी खाई, थोड़ी फीकी थी, दादा बहुत स्लो कर रहे हैं बट अच्छा है। अच्छा है, पानी पूरी खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारात में आए कपड़ों की वजह से वही फील आ रहा है ना। तो गाइस 9 बज चुके हैं एंड आप देख सकते हैं अभी तक इनका सेटअप ख़त्म नहीं हो रहा, अब ये ऊपर की तरफ सेटअप लगा रहे हैं एंड अभी हमारा सीक्वेंस नहीं है। मैं अंदर जाके रुको आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि अभी एडी ने मुझे बोला अभी दूसरा सीक्वेंस है हमारा नहीं, तो नीचे चलते हैं एंड मैं दिखाता हूँ अंदर आखिर क्या चल गया सेटअप रहा है। बताओ घर वाले सोच रहे हैं कि बच्चे शूटिंग कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे जुआ खेल रहे हैं, वेरी बैड। अभी सारे पैसे जीतूंगा मैं, देख रहा और यहाँ चल रहा है सेटअप। ये मेरी पोजीशन है, यहाँ पर ये फ्रेमिंग वगैरह चेक कर रहे हैं कि कैसे मतलब कैमरा एंगल, और ये वाली पोजीशन मेरी है, यहाँ पर मैं बैठूँगा एंड पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत होती है,
और यहाँ पर अर्जुन भाई मेहनत करते हुए इस टेबल के लिए, मतलब हल्का सा भी इधर नहीं चाहिए, ये एडिया मतलब इतना ज़्यादा परफेक्शन देखते हैं, वो अलग बात है दिखता कुछ नहीं है। हमारा शॉट ये वाला कंप्लीट हो चुका है और हमारा हो चुका है ब्रेक, तो चलो कुछ खा के आते हैं। तो गाइस यहाँ डिनर ब्रेक हो गया है, फोकस किया जा रहा है। I feel so hungry, man. ये यहाँ दिखाऊंगा मैं पूरा सच फिटनेस का। तो गाइस ये रहा मेरा डिनर। हाँ मैं थोड़ा सा डाइटिंग भूल चुका हूँ अपनी, कल कर लूँगा थोड़ा एक्स्ट्रा कार्डियो, बट अभी भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी मैंने लाइट किया, लंच भी लाइट किया एंड स्नैक्स भी लाइट किया। एंड यहाँ अकेला नहीं हूँ मैं, मतलब गुलाब जामुन अकेला नहीं हूँ मैं जो, ठीक है भाई सब कर रहे हैं तो मैं भी आज खा के बॉडी बनाएंगे। और गाइस मैं रूम के ऊपर आ गया हूँ, पैकअप हो चुका है, तो जल्दी से चेंज करते हैं घर पे चलते, बिकॉज मैं आपको टाइम दिखाता हूँ 11:30 हो गया, मेट्रो भी बंद हो गई होगी, रूम की लाइट्स ऑफ कर दिया। तो गाइस पैकअप हो गया, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया हो, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया दिखाने का, बट ये होता है ना बिकॉज आपके सामने सुबह 8 बजे घर से निकला था, अभी 11:30 हो रहा है रात का, तो थक जाते हैं टायर्ड हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाते मॉर्निंग में, स्टार्टिंग में तो लाइक जोश रहता है बट फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाने का ट्राई किया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इस रूम को करते हैं बाय जल्दी से चेंज करके।